हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड शेखर सिन्हा। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया है और कुछ पर्सनल लाइफ में बिजी हूँ, तो इट विल टेक फ्यू मोर डेज कि मैं डेली अपडेट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मैं मार्केट वॉच करता हूँ मोबाइल गैजेट से, इन बिटवीन टच में रहता हूँ। आई विल शेयर वेयर आई वॉज बिजी वेरी सुन, है ना। सो चलिए फटाफट चार्ट पे मैं बताना शुरू करता हूँ। आपके सामने निफ्टी है, निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे ये रेड और ग्रीन कैंडल है, इसमें बीच में ब्लैक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ब्लैक कैंडल इज इनसाइड बार एक्चुअली। ठीक है, मैं बार कैंडल पे आता हूँ, आप इसको देख पाएंगे राइट। जहां भी देखेंगे ब्लैक कैंडल दैट इज इनसाइड, उस पे भी मैजिक है। इसका सिंपल लॉजिक स्ट्रेटेजी कभी शेयर करूंगा। चलिए तो बिना टाइम को वेस्ट किए मैं फटाफट बता दूं, जैसे कि अक्सर बता रहा हूँ, किसी का स्विंग लो नहीं टूटा है। ये देखिए आप, यहाँ पे इसका भी नहीं टूटा और यहाँ पे स्विंग लो बन ही जा रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या है रहेगा इसका सीन हमारा, ये देखिए स्विंग हाई लोस। अगर मैं इसको डिनोट करना चाहूं तो ये अपसाइड है। ठीक है, अगर चार्ट पे आप मुझसे जानना चाहेंगे तो मैं बोलेगा ये अपसाइड है, इसको बार चार्ट पे लाता हूं, ये अपसाइड है। लेकिन ये कहीं ना कहीं ट्रेंड इसका निगेटिव बताया हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं आज बताऊंगा कि क्यों निगेटिव है, कैसे निगेटिव है। चलिए मैं आपको आता हूँ एनएससी के साइड पे, इसका थोड़ा डेटा क्या बोलता है वो देख लेते हैं। ठीक है, राइट। नेट थोड़ा सा स्लो है शायद, मे भी यहाँ पे राइट। सी 17 लाख क्वांटिटी इज टेलिंग मार्केट शुड बी गो डाउन एंड 12 लाख क्वांटिटी इज शोइंग मार्केट शुड बी गो अप। कल एक्सपायरी हुआ है हमारा, एक्सपायरी का भी डेटा यही बता रहा है कि ये सीनियर ऑल ओवर वन ही है। लेकिन मैं इसको चाहूँ तो आगे का बता सकता हूँ। 15 दिसंबर का मैंने चूज किया, चलिए नीचे आते हैं। 10 लाख क्वांटिटी अराउंड टेलिंग इज मार्केट इज गोइंग अप, 7 लाख इज मार्केट इज गोइंग अप डाउन राइट। तो ये कंफ्यूजन कहीं ना क्लियर नहीं बता रहा है। चलिए एसजीएक्स पे आते हैं, एसजीएक्स क्या बता रहा है हमारा, 68 पॉइंट अप है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट होगा। ग्लोबल मार्केट पे आते हैं ताकि समझ में आएगा वर्ल्ड मार्केट क्या बोल रहा है। ये सब पॉजिटिव है, हाफ हाफ परसेंट पॉजिटिव है, ज्यादा कुछ सीन है नहीं, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव है। कमोडिटी का प्लस माइनस थोड़ा सा अलग रहता है, लेकिन मैं देखूंगा डॉ और नस्दाक का ना ये ऊपर है। ठीक है, तो एसजीएक्स को हम लोग जो देख रहे थे ना, उसका ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ओवरऑल फर्क पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे ना, तो मैं बहुत पहले से बुलिश हूँ इसको, मैं कई बार बताया हूँ, आप जाके इसको चेक कर सकते हैं कि इसका जो भी व्यू डाला है मैंने वो कैसा रहा है। ठीक है, ये निफ्टी का मैंने बता दिया। निफ्टी का क्या था, डेटा डेटा कुछ और बोल रहा था हमें, लेकिन चार्ट हमें बोल रहा है मार्केट बुलिश है, चार्ट बोल रहा है मार्केट बुलिश है। टेलीग्राम पे जो लेवल दिया हूं मैं, वो बियरिश लेवल है, वो आज कहां और कैसे कटेगा मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आइए बैंक निफ्टी में फटाफट। बैंक निफ्टी में एक चीज याद रखिए, मेरा एक कैलकुलेशन होता है हर चीज पे, तो मैं आपको यहाँ भी एक कैलकुलेशन बताना चाहूंगा कि वो किस तरह का है और नहीं है। ठीक है, 660 अगर लेवल तोड़ता है, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ, 750, 43,755, ये यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो मैं इसको सेटिंग में आके मैं लेवल लिख रखा था एक्चुअली, लेकिन 755 अगर ये लेवल ब्रेक होता है आज, आप चाहे ना तो इसको देख सकते हैं यहाँ पे 43,755। अगर ये लेवल आज टूटता है ना, तो हम बुलिश हो जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम का चैनल भी मेरा वो अपडेट हुए गए उस साइड में चला आएगा, बुल साइड में होगा उसका, एक ऐसा जगह पार्टिकुलर जो मैं नेक्स्ट ट्रेड कवर करके दिखाऊंगा, जो अक्सर करते रहा हूँ। ठीक है, तो ये रहा, अब आते हैं इसका डेटा क्या कहेगा। मैं डेटा कल एक्सपायरी हुआ है, तो कुछ चीजों को लेके हम लोग ना रिलैक्स रहेंगे, और नेक्स्ट एक्सपायरी बोले तो 15 का देखते हैं, यहां से एक्चुअल पता चलेगा। ध्यान से देखेंगे, ये 5 लाख क्वांटिटी बोल रहा है, 7 लाख क्वांटिटी बोल रहा है। 5 लाख क्वांटिटी इज टेलिंग अस मार्केट शुड बी गो डाउन, बट 7 लाख क्वांटिटी इज टेलिंग अस इट शुड बी गो अप राइट। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिश है। ठीक है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले देखा है एसजेक्स हमारा ऊपर, तो डेटा हमारा ऊपर बोल रहा है, चार्ट भी ऊपर बोल रहा है, एक यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ट्रैपिंग हुआ है, बट इट पार्ट ऑफ बिजनेस, नो वन इज परफेक्ट टेकर। मेरे बात एक और ध्यान से सुनिएगा, इधर कोई परफेक्ट नहीं है, मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं है, वी जस्ट आर लर्निंग द मार्केट। किसी किसी की एक्यूरेसी बहुत जल्दी आ जाती है, किसी किसी का टाइम लेता है, बट इन मार्केट टाइम लेता ही है राइट। तो आप मेरे किसी भी लॉजिक से ना डायरेक्टली ट्रेड नहीं करेंगे, आप कंसल्ट करेंगे अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से, अगर वो गाइड करता है या आपका पेपर ट्रेड की प्रैक्टिस आपको परमिट करता है, देन यू गो फॉर द ट्रेड राइट।
हम लोग कोर्स भी देते हैं, हम लोग इंट्राडे पोजिशनल के अलावा ना अकाउंट हैंडलिंग का भी काम होता है इन हाउस।